हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चंस IBPS PO और क्लर्क एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चंस करंट पैटर्न के क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इनको हम पूरी एक्यूरेसी के साथ कम से कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो क्लास की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। यदि कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप लेना चाहते हैं अड्डा 247 की, तो उसको आप डिस्काउंटेड प्राइस पर इंग्लिश एडवांटेज की तरफ से आप ले सकते हैं। और इसको लेने के लिए इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इन टेस्ट सीरीज़ को आप ले सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, करेंट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तीन क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, ये तीन क्वेश्चन हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं इस समय बैंकिंग एग्जाम्स में। और फर्स्ट फिलर में, फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो दोनों में सूटेबली सेट हो, ग्रामेटिकली भी और कॉन्टेक्चुअली भी, फर्स्ट और सेकेंड में। यानी ये दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, दो ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट और सेकेंड में ग्रामेटिकली फिट होना चाहिए और जो सेकेंड ऑप्शन है वो थर्ड सेंटेंस में ग्रामेटिकली फिट होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का पैटर्न है। अब इस तरह के पैटर्न से, इस तरह के क्वेश्चन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी स्टूडेंट हो जाते हैं क्योंकि सेंटेंस काफ़ी लंबा रहता है, सेंटेंस काफ़ी ट्रिकी रहता है। तो इन सेंटेंसेस को आप काफ़ी कम समय में पूरी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी एक लिंक मिलता है आपको और कहीं पर भी आप श्योर हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है ये 100% श्योर हूँ मैं कि यही आएगा। यदि आप एक ऑप्शन के बारे में श्योर हैं तो फिर दूसरे ऑप्शन के बारे में आपको सोचना नहीं है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सपोज ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, मैंने इसको नहीं पढ़ा, मैंने इसको नहीं पढ़ा और मैंने इसको पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एज शी द जेंटलमैन विथ हर मैजिक। मैजिक और इंचेंटनेस एक वर्ड आए हैं यहां पर, ये ठीक है, मैजिक एंड इंचेंटनेस मतलब जादू टोना जो होता है उससे रिलेटेड ये वर्ड है। तो ये दोनों वर्ड क्या है, की वर्ड हैं। और इससे रिलेटेड वर्ड सेकेंड ऑप्शन में कौन सा है, जादू टोने से, मैजिक से, इंचेंटनेस से रिलेटेड वर्ड जो सेकेंड ऑप्शन में है वो है बीबिच्ड। अब देखिए, इन दोनों वर्ड से संबंधित केवल यही वर्ड थर्ड में आ सकता है, जैग, रस्टिक, म्यूटिनी और कास्टिगेट नहीं आ सकते। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि यदि हमें इनका मीनिंग नहीं पता, कास्टिगेट का, म्यूटिनी का, रस्टिक का और जैग्ड का, तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि बीविस्ट ही इसका इक्विवेलेंट सिनोनिम होगा मैजिक का या इंचेंटनेस का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आएगा कि किस वर्ड का क्या मीनिंग निकलता है। जैसे कास्टिगेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज, म्यूटिनी का अर्थ होता है रिवोल्ट, रस्टिक का अर्थ होता है गांव जैसा या रूरल से संबंधित, और जैगेड का मतलब होता है अनइवन। ठीक है, तो इनमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो मैजिक या इंचेंटनेस से संबंधित है, इसमें केवल बीबिस्ट ही एक वर्ड है जो इससे संबंधित है। ठीक है, अब मैं यहां पर श्योर हूं कि थर्ड में यानी सेकेंड ऑप्शन वाला जो वर्ड है वो यही आएगा, इनमें से कोई वर्ड नहीं आएगा। अब सेकेंड ऑप्शन यदि सही है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका अपने आप सही हो जाएगा। तो इसकी मदद से देखिए आपने क्या किया, इसकी मदद से आपको फर्स्ट सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ा, सेकंड सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ा और थर्ड सेंटेंस भी आपने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा, केवल कीवर्ड्स निकाले और कीवर्ड्स की मदद से आपने आंसर निकाल लिया। अब देखिए, यहां पर यदि आप फैलेसी को लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा, हैविंग मनी मेक्स यू हैप्पी इज अ फैलेसी बिकॉज हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद वेल्थ। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इस सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि लोग ये मानते हैं कि यदि आपके पास पैसा है, यदि आपके पास धन दौलत है तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन ये एक फैलेसी है, ये एक मिस्टेकन बिलीफ है। ठीक है, एक मिस्टेकन बिलीफ है क्योंकि हैप्पीनेस का वेल्थ से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम सेकेंड सेंटेंस में देखिए क्या देख रहे हैं, हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद वेल्थ, यानी हैप्पीनेस का वेल्थ के साथ कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब ये मिसकंसेप्शन है। तो फर्स्ट में मिसकंसेप्शन से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए और मिसकंसेप्शन से रिलेटेड जो वर्ड है वो है फैलेसी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके आंसर्स निकालने होते हैं और इस तरीके से आप जब आप आंसर निकालेंगे, अपने आप को जस्टिफाई करेंगे,
तो आपका आंसर ना केवल 4 या 5 सेकंड में निकल के आएगा, बल्कि वो पूरी तरीके से एक्यूरेट भी होगा। और इसमें काफी सारे वर्ड्स आए, जैसे रस्टिक होता है, रूरल, म्यूटिनी, रिवोल्ट होता है, केबल कंप्लेंट होता है, प्रिमिटिव मतलब पुराना होता है, कैडेंस, कैडेंस का अर्थ होता है रिदम, ठीक है, जैगेड मतलब अनइवन होता है, फैलेसी मिसकंसेप्शन होता है, बीबिस्ट मतलब जादू टोना होता है, कास्टिगेट मतलब क्रिटिसाइज होता है। तो ये सारे वर्ड्स मैंने अपनी ई बुक में एक्सप्लेन किए हैं, तो इन ई बुक्स का भी आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको मैं आपको ट्रिक से करके बताऊंगा। सपोज 3 सेंटेंस आपके सामने हैं और आपको कुछ नहीं पता, कोई मीनिंग नहीं पता, कोई वर्ड मीनिंग नहीं पता, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे। अब देखिए थर्ड सेंटेंस को, इनको आप छोड़ दीजिए, ये सेंटेंस अभी आप छोड़ दीजिए, इस पर आ जाइए सीधे थर्ड पे। एज ए लविंग पेरेंट आई बिलीव, देखिए इतना तो आप समझ ही सकते हैं, एज ए लविंग पेरेंट, यदि आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, एज ए लविंग पेरेंट आई बिलीव प्रेज इज मोर, मतलब यहां पर क्या चाहिए, यहां पर एक एडजेक्टिव चाहिए, प्रेज इज मोर देन पनिशेबल एज ए फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। मतलब यहां पर आप क्या बोल रहे हैं, यहां पर आप ये बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसी चीज है जो पनिशमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इफेक्टिव है, तो यहां पर आपको क्या चाहिए। यहां पर देखिए दो वर्ड्स का कंपेयर कर रहे हैं आप, एक प्रेज का और एक पनिशमेंट का, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस ये बोल रहा है कि यहां पर जो चीज आएगी वो पनिशमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिव से रिलेटेड एक वर्ड है यहां पर आपको चाहिए, और इफेक्टिव से रिलेटेड जो वर्ड है वो है एफिकेसस, सेकंड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको करने में आपको कितना टाइम लगा, मुश्किल से 3 या 4 सेकंड, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में ऑफिशियली आपको 40 सेकंड का टाइम मिलता है, और मेंस एग्जाम में तो थोड़ा ज्यादा मिलता है, प्री में 40 सेकंड मिलता है, मेंस एग्जाम में थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने केवल ये 3 सेंटेंस पढ़ने की अपेक्षा केवल एक ये वाला सेंटेंस पढ़ा, इसमें भी मैंने लॉजिक लगाया, ठीक है, इन सेंटेंस को मैंने नहीं पढ़ा, तो यहां पर मेरा टाइम बच गया, यहां पर मेरा कॉम्प्लिकेशन भी बच गया। इसके अलावा इन सारे वर्ड मीनिंग्स को भी मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए वर्ड कितने कठिन वर्ड यहां पर दिए हैं, निगल है, एम्बिशियस है, पर्ज है, एफिकेसियस है, ग्लीम है, फूल हार्डी है, निटपिक है, परवेड है, और ऐसा ही एग्जाम में होगा आपके साथ कि आपके सामने जो वर्ड्स आएंगे वो काफी कठिन और काफी ट्रिकी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप कम से कम समय में पूरी एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहां पर चूंकि एफिकेसियस आएगा, आप देखिए यहां पर पर्ज का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, देखिए इन स्पाइट ऑफ हर रिजॉल्व टू पर्ज द फियर, मतलब फियर को हटाना, ठीक है, द ऑयल विल पर्ज मतलब ऑयल इलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा या उड़ जाएगा वहां से, तो पर्ज का मीनिंग भी यहां पर सही निकल रहा है। पर्ज का मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग सही इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहां पर मैं सेकेंड ऑप्शन के बारे में श्योर हूं कि थर्ड सेंटेंस में यही वर्ड आ सकता है, दूसरे वर्ड नहीं आ सकते, क्योंकि इफेक्टिव का इक्विवेलेंट वर्ड कोई भी नहीं है यहां पर। गार्नरिंग का मतलब सजाना होता है, परवेट का मतलब सेल करना, फूल आरडी मतलब रैकलेस, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस से रिलेटेड केवल एक ही वर्ड है और यही इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, और ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये रियल बैंकिंग क्वेश्चंस हैं और किसी ना किसी बैंकिंग एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कितनी इफेक्टिवनेस के साथ इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में कर सकते हैं, और इंग्लिश सेक्शन में 60-70% आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, यानी 30 नंबर का जो प्री होता है उसमें से 18 से 20 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, और यही सेम सिचुएशन आप मेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं यहां पर, और यहां पर मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं आईबीपीएस क्लर्क के लिए। आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम दिसंबर में है प्री, और जनवरी में होगा मेंस, तो इसमें मैं इस बैच में, ये एकदम नया और एकदम फ्रेश बैच है, कोई भी नया स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल सीरियस एस्पिरेंट ही इस बैच को ज्वाइन करें, जो सीरियस हैं वास्तव में सेलेक्ट होना चाहते हैं वही स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करें। यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, तो इसको पॉज करके इस वीडियो को आप आसानी से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वहां से इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। ये बैच 15 अक्टूबर से 4 बजे से शुरू हो जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं, द ऑफिसर ट्राइड टू द इनमेट्स ह्यूमिलिएटिंग देम, एंड सपोज आपके सामने ये सेंटेंस है, ठीक है, एज ए लेमैन मैं बिहेव कर रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, मुझे मेरा जो एज ए स्टूडेंट मैं बिहेव कर रहा हूं, ठीक है,
कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मुझे कुछ नहीं आता है, अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। अब देखिए कितने कठिन कठिन वर्ड हैं, ये मुझे इनमें से एक भी वर्ड नहीं पता, एज्यूम करके चलते हैं कि इनमें से एक भी वर्ड मुझे नहीं पता और ये सारे सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसमें कीवर्ड्स निकालूंगा और कीवर्ड्स के बेस पर इसको मैं सॉल्व करूंगा। अब देखिए यहां पर देखिए, विद अ सेंस ऑफ पॉलिश्ड द स्वाब प्रिंस शोड ऑफ हिज रिफाइंड डांस स्किल। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है पॉलिश्ड, यहां पर एक वर्ड आ रहा है स्वाब, यहां पर एक वर्ड आ रहा है रिफाइंड। इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब है कि सोफिस्टिकेटेड होना, रिफाइंड होना, पोलाइट होना, ठीक है। तो पॉलिश्ड उसके अंदर क्या चीज थी जो पॉलिश थी, तो पॉलिश्ड एक एडजेक्टिव है, मतलब यहां पर आपको एक नाउन चाहिए और एक ऐसा नाउन चाहिए जो इस चीज को इंडिकेट करे कि आप बहुत पोलाइट हैं, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, आप बहुत पॉलिश्ड हैं। और इससे रिलेटेड वर्ड कहां पर ढूंढेंगे आप ढूंढेंगे सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन में इससे रिलेटेड जो वर्ड है वो है अर्वेनिटी, क्योंकि अर्वेन का मतलब होता है काइंड एंड सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर है। देखिए अब इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला, आपने फर्स्ट सेंटेंस नहीं पढ़ा, सेकंड सेंटेंस नहीं पढ़ा, और एक ट्रिक के साथ, लॉजिक के साथ क्वेश्चन को किया, पूरी एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर आपने निकाला। अब यदि आप अवॉश इसमें लगाएंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। द ऑफिसर ट्राइड टू अवॉश, अवॉश का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एम्बेरस फील कराना, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी वही सेम सेंटेंस है, बिकॉज ही डजंट हैव एनी एम्पैथी द एबल मैन, एबल देखिए एक वर्ड आया है यहां पर, एबल ये की वर्ड है, फन टू अवॉश एंड एम्बेरस। तो यहां पर भी देखिए सेम ही वर्ड आ रहा है, यहां पर ह्यूमिलिएटिंग है, यहां पर एम्बेरस है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को 4 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड दिए हैं जो मैं आपको बता देता हूं, फेसाइल का मतलब सुपरफिशियल होता है, मिस्टिफाई मतलब किसी चीज को बिवाइल्डर करना, चेस्टाइज का मतलब डांटना, बिवाइल्डर, और न्यू फेंगल्ड मतलब नया, प्रोपेल मतलब पुश करना, कंपंक्शन का मतलब होता है रिग्रेट, और आर्केइक का मतलब होता है ओल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे और उसी तरीके से करेंगे। इसको हम देखते हैं सेंटेंस, द आइडिया ऑफ थ्रोइंग ए पार्टी ऑन टॉप ऑफ द स्विमिंग पूल, ठीक है। द आइडिया ऑफ थ्रोइंग ए पार्टी ऑन टॉप ऑफ ए स्विमिंग पूल सीम्ड क्वाइट टू एवरीवन इन द रूम। देखिए यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर एक आइडिया की बात हो रही है कि यदि हम एक स्विमिंग पूल हो, एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल हो और उसके टॉप पर हम एक पार्टी दें, थ्रोइंग ए पार्टी का मतलब होता है पार्टी देना, तो ये कैसा होगा, ये काफी शानदार होगा, ठीक है। निश्चित रूप से काफी शानदार होगा कि स्विमिंग पूल है और नीचे स्विमिंग पूल है, ऊपर टॉप कहीं पर बना हुआ है और वहां पर आप एक पार्टी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत, बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहां पर आपको क्या वर्ड चाहिए, यहां पर आपको एक शानदार से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, और शानदार से रिलेटेड जो वर्ड है वो है ग्रैंडियोस। तो आपका यहां पर आंसर होगा 4th, क्योंकि सेकेंड यदि सही है तो फर्स्ट अपने आप सही हो जाएगा। तो मैं थर्ड क्वेश्चन से इन सेंटेंसेस को क्यों कर रहा हूं, थर्ड से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थर्ड यदि सही होगा तो फर्स्ट और सेकंड तो अपने आप सही होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि थर्ड सही है और सेकंड का ऑप्शन गलत है, तो थर्ड के साथ जो ऑप्शन दिया है वो तो अपने आप ही सही हो जाएगा, और आपको 2 सेंटेंस जो है ये नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए थर्ड सेंटेंस से आपको इन सेंटेंसेस को करना है। तो यहां पर आपका आंसर होगा फेकंड और ग्रैंडियोस। फेकंड का अर्थ होता है जिसके अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, जो जिसका ब्रेन काफी फर्टाइल है। अब यहां पर आप देखिए, द कंप्यूटर प्रोग्रामर वॉज अ फेकंड पर्सन, मतलब फर्टाइल पर्सन हु कुड क्विकली आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यहां पर देखिए ये सेंटेंस सही है, सेकंड में भी इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसको आप रोक के आराम से आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से मैं इन क्वेश्चन को करना हूं, और इसी तरीके से इन क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पर भी मैं थर्ड से ही करूंगा, होपफुली द कॉफी विल द ड्राउजी इफेक्ट। ड्राउजी इफेक्ट मतलब जैसे नींद सी आती है, उसको हम बोलते हैं, जैसे नींद आ रही है आपको, उसको हम बोलते हैं ड्राउजी इफेक्ट। कॉफी, यहां पर एक कीवर्ड दिया है कॉफी, और यहां पर एक दिया है ड्राउजी। तो कॉफी ड्राउजी इफेक्ट को क्या करती है, जो नींद आने की प्रक्रिया है, जो आपको नींद सी आ रही है उसको उसको वो खत्म कर देती है। खत्म करने से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए,
तो खत्म करने से रिलेटेड एक वर्ड है यहाँ पे नलीफाई। नलीफाई मतलब कैंसिल करना, हटाना उसको। तो नलीफाई के साथ यदि नलीफाई यहाँ पर सही है तो ये भी यहाँ पर सही होगा। इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर होगा थर्ड। देखिए कितने कम टाइम में मैंने इसका आंसर निकाला और सारे रियल बैंकिंग ये क्वेश्चंस हैं। अब यदि फर्स्ट ऑप्शन को आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वुमेन यूज्ड हर बाउंटियस टैक्स रिटर्न, मतलब प्लेंटीफुल टैक्स रिटर्न। द बाउंटियस बुफे, मतलब काफ़ी प्लेंटीफुल बुफे, यहाँ पर काफ़ी सारा सामान होता है खाने का, तो वहाँ पर भी फीड वर्ड आया है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप 4-5 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये एक इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। यहां पर एक इन्फ्लुएंस मतलब निष्कर्ष निकाला गया है। इन्फ्लुएंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फिडेंस फॉर नेपाल, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फिडेंस फॉर नेपाल, ये एक इन्फ्लुएंस है। अब ये इन्फ्लुएंस किस सेंटेंस से निकाला गया है, किस किस सेंटेंस से ये इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है, या कह सकते हैं किस किस पैराग्राफ से या किस किस सेंटेंस से ये इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फिडेंस फॉर नेपाल, इसको हम पढ़ते हैं। द लास्ट रोड ब्लॉक फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन वॉज ओवरकम विद ए सीरीज ऑफ लोकल प्रोविंशियल नेशनल इलेक्शन ओवर द समर विंटर ऑफ 2017। यहाँ से ये पता नहीं पड़ रहा है ये किस कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं। वाइल द वीकनिंग ऑफ अपोजिशन इज कॉल फॉर कंसर्न, नेपाल फाइनली सीम सेट। देखिए यहाँ पर कीवर्ड देखिए, नेपाल को देखने से ऐसा लगता है कि वो फाइनली सेट हो गया है, उसकी गवर्नमेंट सेट हो गई है, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, तो ये इसमें सही है। द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन 3 tier फ्रॉम लोकल प्रोविंशियल नेशनल इंक्लूडिंग इन द रिजर्व। देखिए यहाँ पर नेपाल वर्ड तो नहीं आया है, लेकिन तराई प्लेन यहाँ पर एक वर्ड आया है, तराई प्लेन जो है वो नेपाल में है, तो यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कंक्लूजन, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी सेकेंड और थर्ड इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा सेकेंड और थर्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चंस नॉर्मली मेंस में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन प्री में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इन्फ्लुएंस निकालना है आपको, इनकरेक्ट परसेप्शन। इनकरेक्ट परसेप्शन मतलब आपने गलत अंदाजा लगाया, आपने गलत तरीके से किसी चीज को सोचा। यहां पर पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टेंटली ऑल्टरिंग ट्रेजेक्टरी ऑफ टेरर इज इंपॉर्टेंट बिफोर चेंजेस ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर आर लेबल्ड। It has become axiomatic to attack agencies of intelligence failure whenever a major terror attack takes place. This needs not be the case in every instance. मतलब यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि जब जब भी कोई बड़ी घटना होती है, बड़ा स्कैम होता है, तो उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर को माना जाता है, जो कि गलत है। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वो जो परसेप्शन है इंटेलिजेंस एजेंसी को रिस्पॉन्सिबल मानने का हर घटना में, वो गलत है। मतलब यहाँ पर निश्चित रूप से ये सही है, मतलब यहाँ से इनकरेक्ट परसेप्शन निकल रहा है। सेकंड देखते हैं, द यूजुअल चार्ज लेबल्ड इज ऑफ द फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी टू कनेक्ट द डॉट्स, मोस्ट ऑफन दिस इज नॉट ट्रू। देखिए मोस्ट ऑफन दिस इज नॉट ट्रू, मतलब यहाँ से भी आपको इनकरेक्ट परसेप्शन निकाला जा रहा है और यहाँ से भी निकाला जा रहा है। यहाँ से देखते हैं, डिफरेंस अमंग टेरर आउटफिट्स, मतलब जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, डू नॉट हाउएवर प्रीक्लूड मतलब प्रिवेंट, किसी चीज को होने से रोकना, प्रीक्लूड अ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स। इसमें रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, इसमें यह बोला जा रहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं, डिफरेंस अमंग टेरर आउटफिट्स, जो टेररिस्ट जो ग्रुप्स होते हैं उनसे, दे डू नॉट हाउएवर प्रिवेंट समथिंग, ठीक है, वो किसी चीज़ को प्रिवेंट नहीं करते। तो यहाँ पर इनकरेक्ट परसेप्शन हम नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ से हम निकाल रहे हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड इसमें आपका सही आंसर होगा। ये सेंटेंस कुछ और ही बोल रहा है, ये वाला सेंटेंस, इसमें हम ये बता रहे हैं क्योंकि इसमें एक रेफरेंस पॉइंट भी है इंटेलिजेंस एजेंसी, इन दोनों ही सेंटेंसेस में एक रेफरेंस पॉइंट है इंटेलिजेंस एजेंसी, तो इसलिए भी फर्स्ट और सेकेंड इसमें सही होंगे। लुकिंग एट पाकिस्तान, ये इन्फ्लुएंस है और ये किस सेंटेंस से निकाला गया है इसको देखते हैं हम। द लास्ट ईयर एंडेड विद ए सीरियस सीज फायर वायलेशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन द राजौरी सेक्टर। राजौरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसका रिलेशन पाकिस्तान से होता है, तो ये सेंटेंस निश्चित रूप से सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, इन इट्स नेबरहुड इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर ड्यूरिंग 2018 फॉर ए फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ द सिचुएशन इन ऑलरेडी डिस्टर्ब। इसमें अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दिस ईयर बिगेन विद ए मेजर टेररिस्ट अटैक बाय जैसे मोहम्मद। जैसे मोहम्मद का संबंध पाकिस्तान से है।
एलिमेंट्स ऑन ए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंप इन अवंतीपुर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन विच 5 CRPF मैन वर किल्ड। ये भी पाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे मोहम्मद पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा, यानी थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। रिलेशंस इन 2018, द फ्यूचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द एशिया इन 2018 इज अगेन डिपेंडेंट ऑन हाउ द स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल ऑफ स्टेट रिलेशंस बिटवीन चाइना पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले आउट। ये सही है, इसमें रिलेशन की बात कर रहे हैं। द सिचुएशन हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड एज चाइना एंड पाकिस्तान हैव फर्दर स्ट्रेंथन्ड देयर एक्सिस। इसमें भी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑलरेडी डिफिकल्ट रिलेशनशिप डजंट होल्ड आउट मच, इसमें भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो आप द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑलरेडी डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स डजंट होल्ड आउट मच होप फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, इसमें भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये दो सेंटेंस ज़्यादा इसमें करेक्ट हैं, लेकिन चूंकि इसमें किसी कंट्री का नाम नहीं दिया है तो इसको भी हम सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस कंट्री के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसमें आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। यहाँ पर देखते हैं इम्पैक्टिंग इंडिया, इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसमें भी एक्चुअली किसी कंट्री का नाम नहीं दिया है। चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन पीस कीपिंग अलॉन्ग विद इट्स हायर फंडिंग कंट्रीब्यूशन विल पुट बीजिंग इन द ड्राइवर्स सीट इन फॉर्मुलेटिंग पीस कीपिंग मैंडेट्स देयर बाय अफेक्टिंग इंडिया। अफेक्टिंग इंडिया इसमें एक कीवर्ड आ रहा है, ये सही है। द UN स्पेशली द UNSC इज ए ब्लू ब्लडेड पॉलिटिकल बॉडी, नहीं ये गलत है, इसमें हम UNSC की बात कर रहे हैं एक्चुअली। और इसका प्रभाव इंडिया पर किस तरीके से पड़ रहा है ये इसमें नहीं बोला जा रहा है, तो ये गलत हो गया। अमिड द वज अराउंड द बीजिंग टेकिंग सेंटर स्टेज इन वर्ल्ड अफेयर्स द इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज डेवलपमेंट ऑफ इज फर्स्ट पीस कीपिंग हेलीकॉप्टर यूनिट इन द पीस कीपिंग मिशन हैज़, इसमें भी नहीं, इसमें भी इंडिया पर इम्पैक्ट की बात नहीं हो रही है, इसमें केवल फर्स्ट सही है आपका। आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा इसमें फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन मैंने कुछ एक्सप्लेन किए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैं अपने अपने टारगेट बैच में और ई कोर्सेस में कराता हूँ। अभी मैंने 15 तारीख से मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ IBPS क्लर्क के लिए, उसमें मैं शुरू से लेकर आखिरी तक मॉक टेस्ट के साथ, सेल्फ असेसमेंट मॉक टेस्ट के साथ और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, उसमें पूरा प्री और मेंस का आपको पढ़ाऊंगा, और उसमें करंट अफेयर्स भी मैं मेंस का पढ़ाऊंगा। तो ये बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।